अच्छा, आज की वीडियो हमारे पास होने वाली है नमज यूनिवर्सिटी के बारे में, नमज यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस के बारे में। भाई, नमज यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस का आगाज 2007 में हुआ, जिसमें सिर्फ दो ही प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते थे। एक था सोशल एंड साइंस मैनेजमेंट का, दूसरा था इंग्लिश। और इंग्लिश और सोशल साइंस मैनेजमेंट के दो ही डिपार्टमेंट थे, यानी यहाँ पर MA और BA के कोर्स ही करवाए जाते थे। और आज इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम, जैसे BS हो गया, BS में IT हो गया, CS हो गया, SE हो गया, और इसके साइकोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम आज करवाए जाते हैं। और इसमें MBA और BBA भी करवाया जाता है, ठीक है। और आज इस पूरी यूनिवर्सिटी को करेंगे हम एक्सप्लोर, और देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है। ये यूनिवर्सिटी है तो छोटी बड़ा, लेकिन हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं मेन गेट से, हम एंट्री करेंगे और वहाँ से आपको दिखाते हैं पूरी यूनिवर्सिटी। ये जर्नली पार्किंग है इसकी, यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है। और ये उसका मेन गेट जहाँ से एंट्री होती है, ये रहा हमारे पास मेन गेट। और ये हमारे पास है इंफॉर्मेशन रूम, जहाँ से दाखला वगैरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। अगर आपने दाखला वगैरह लेना हो, फॉर्म वगैरह लेना हो, तो यहाँ से लिया जाता है। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन ऑफिस। जिसके ट्रैक्टर ये है, साइन बोर्ड है, यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी है। और ये हमारे पास है मस्जिद, मस्जिद हमारे पास ये है। और यहाँ पे ये लैंग्वेज सिखाई जाती हैं। तो ये हमारे पास इंचार्ज, ये हमारे पास रहे मुख्तलिफ ममालिक के झंडे, यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें सिखाई जाती हैं, तो इसलिए ये मुख्तलिफ झंडे हैं, ठीक है। ये हमारे पास ट्रैक्टर साहब का कमरा है, और यहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट बॉक्स भी लगा रखा है, जहाँ पे कंप्लेंट कोई भी दे सकता है। और ये रहा हमारा फर्स्ट एड रूम, फर्स्ट एड फ्राम की जाती है यहाँ पर। और अब चले, ये हमारे पास लैब्स हैं, ठीक है। ये कमरा पहले लैब हुआ करता था, अब कमरा बन गया है स्टूडेंट की जगह, यहाँ पे लैब्स हैं। ये हमारे पास वो लैब है, CS और SC की लैब है। Pretty good. ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर वगैरह यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे असिस्टेंट नेटवर्क रूम है, जो कि इंटरनेट वगैरह की सहूलियात को अच्छे से देखते हैं, कहीं गड़बड़ होती है तो चेक कर लेते हैं। फिर हमारा फैकेलिटी रूम, ये हमारे पास फैकेलिटी रूम, यहाँ पे सारे टीचर्स बैठते हैं। ट्रैक्टर्स चैम्बर, इसको लॉक हुआ हुआ, सुबह सुबह आ गया ना यार। ये देखें, ये नमल का विजन है और मिशन, हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई विजन और मिशन होता है, उसी पर चल रही है। ये हमारे पास है कॉन्फ्रेंस रूम, और ये हमारे पास LED है, यहाँ पे ये सारा ऊपर वाला पोर्शन है। ये हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं, ऊपर वाले मिड्स वगैरह। ये हमारे पास है नमल का ग्राउंड, ठीक है, छोटा सा ग्राउंड है। और उसके साथ साथ ये हमारे पास टिव लॉन्च, और यहाँ पे स्टूडेंट लॉन्च, इसका अंदर वाला सीन भी दिखाएंगे। लेकिन यहाँ हमारे पास है नमल ICT लैब सेंटर, और यहाँ पे ये है नमल हॉल, फिलहाल बंद है, ठीक है। नमल हॉल भी मेरे ख्याल से बंद ही होगा, खुला है। ये हमारे पास रहा नमल हॉल, छोटा सा है, सही है भाई, ये देखें। यहाँ पे खड़ के ना स्पीच देते होते हैं।
टाइम कितना हुआ है? ये टाइम, ये HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट का कमरा है। थोड़े बाल संभाल लेते हैं, थोड़े बाल बना लेते हैं, ख़राब हुए हैं। ये फैकल्टी रूम है ये, ठीक है। और ये हमारे पास लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर वगैरह। ये CS, IT और SC डिपार्टमेंट के HOD का कमरा है। और भाई ये हमारे पास है खबर, जिसको पढ़नी होती है यहाँ से आके पढ़ जाता है। खबर लेटेस्ट होती है, ये देखें, 23 अक्टूबर, I-23 है। तो इसमें क्या नहीं हुआ है? रशियन स्ट्राइक ऑन यूक्रेन, मेरा डिपोर्ट किल्स, डेथ वैली नेशनल पार्क, कैलिफोर्निया वर्सेस विस्टर गैदर्स। ओके, एंड बैक मिनर्स गर्ल्स मर्डर केस ऑफ ट्रायल कोर्ट। भाई ये हमारा रूम, यहाँ पे हम बैठते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये रहा हमारा रूम, और ये LCD, और यहाँ पे खड़ के होती है स्पीच, प्रेजेंटेशन वगैरह दी जाती है। बड़ा डर लगता है यार, चलते हैं बाहर, ऊपर से व्यू करते हैं लैब्स का। ये वही सामने वाले लैब्स हैं, इनका विज़िट, जिनका हम विज़िट कर चुके हैं।